हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिलाल खान और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कोडिंग विद हिलाल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सीएसएस के कुछ न्यू टैग्स जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं पैराग्राफ पर और H1 टैग पर या किसी भी रिटर्न फॉर्म की टैगिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक इंडेक्स फाइल लिया जिसका नाम है index3.html। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे मैं इंसर्ट करने वाला हूँ HTML का बेसिक सिंटैक्स। जैसे ही मैंने यहाँ पे बेसिक सिंटैक्स को इंसर्ट किया, यहाँ पे मेरे पास डो टाइप HTML है, टाइटल वगैरह जो प्रीवियस सारी चीज़ें थी वो मेरे पास ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गई हैं। इसको मैं नाम देता हूँ लेक्चर #03 और यहाँ इसको मैं लिंक कर देता हूँ अपनी कस्टम डॉट CSS की फाइल के साथ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कि ये मेरी पुरानी कोडिंग है जो कि हमने Lecture 1 और Lecture 2 में इस्तेमाल की थी। अब इसको हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। कमेंट करने के बाद यहाँ से हमारा आज का काम स्टार्ट होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक पैराग्राफ टैग, पी टैग मैंने ले लिया और यहाँ पे मैंने लॉरम एप्सम जिसका डेमी डेटा है वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। अब इंसर्ट करने के बाद जब मैं इसको सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर में चेकआउट करता हूँ तो ये मुझे कुछ इस तरह दिखाई देता है। अब यहाँ से हमारा असली काम स्टार्ट होता है। यहाँ पे मैं पी टैग यूज करूँगा। पी टैग यूज करने के बाद मैंने पैराग्राफ को टारगेट कर लिया। पैराग्राफ को टारगेट करने के बाद यहाँ पे मैं भी स्टाइलिंग करूँगा। सबसे पहले जो मेरी स्टाइलिंग है वो मेरे पास आती है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग से मुराद ये है कि आपका ये एक लेटर है, इस लॉरम और एप्सम के दरमियान जितनी स्पेस होती है उसको हम कहते हैं लेटर स्पेसिंग। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग लेट सपोज मैं ले ली 20px। इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे भी आके मैंने इसको यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे जब मैं इसको हार्ड रिफ्रेश करता हूँ तो देखे मेरे पास लॉरम एप्सम के दरमियान कितनी स्पेसिंग आ गई है, यानी जो मेरे पास पूरी की पूरी एक वर्ड था उसके जितनी भी लेटर थे उसके अंदर जो स्पेसिंग थी वो मेरे पास आ गई है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा से कमेंट करूँ इस लाइन को और इसको मैं सेव करूँ तो ये मेरे पास जो लॉरम है ये मेरे पास दोबारा से इकट्ठा हो जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि वर्ड स्पेसिंग हो जाए, वर्ड स्पेसिंग का मुराद ये है कि लॉरम और एप्सम के दरमियान जो स्पेस आ रही है इसमें जो हमारे पास जो स्पेसिंग होगी वो कितनी होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग मैंने दे दिया। यहाँ पे मैं 20 को इंसर्ट करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और अब जब मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरे पास वर्ड्स हैं उनके दरमियान 20px यानी कि जिसको हम px कहते हैं उसकी स्पेसिंग आ गई है। इसके साथ साथ आप लोग अगर देखें तो ये मेरे पास जो लॉरम है और मिनिम है ये इनके दरमियान जो साइज होता है यानी कि जो गैप होता है, डिस्टेंस होती है, उसको हम कहते हैं लाइन हाइट। अगर आप इसको भी इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप उसको भी इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। आपने जस्ट यहाँ पे आके लिखना है लाइन हाइट। लाइन हाइट जब आप लिखेंगे, लेट सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको 10px कर देता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं इसको हार्ड रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरे पास जो लाइंस हैं वो करीब हो गई हैं। क्यों करीब हो गई हैं? जो कि जो 10 स्पेसिंग थी वो इसके डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग से कई ज़्यादा थी। तो अगर मैं इसको इंक्रीज कर लूँ बाय 30 तो अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू से ज़्यादा हो गई है और आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो स्पेसिंग है वो काफ़ी बढ़ गई है। पहले जब मैंने 10 दिया तो वो 20 जो इसका है तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो उसने उसे कम कर लिया था और लाइन के जो स्पेसिंग थी वो मेरे पास कम हो गई थी। अब मुझे चाहिए कि मैं
चाहता हूँ कि जो ये लोरे एप्सम का जो फुल डेमी डेटा है, इसकी जो टाइपिंग स्टाइल है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। जिस तरह आप लोग एमएस ऑफिस में जाते हैं और फॉन्ट की जो स्टाइलिंग होती है उसको चेंज करते हैं, वो करना चाहते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक वर्ड की फाइल ओपन कर लेता हूँ। वर्ड जैसा आपके ओपन होता है तो आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ये वाली जो होती है, ये आपके पास कैलबरी, एल्जीरियन, एरियल, ये वाली जो भी आपके पास होती है। लेट सपोज मैं लोरेप्सिम को कन्वर्ट करना चाहता हूँ एरियल में, तो उसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा? उसको मैं ऐसे कन्वर्ट करूँगा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली लिखने के बाद एरियल, और यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए आपके पास जो स्टाइलिंग है, राइटिंग स्टाइल है, वो आपके पास जो है तो वो चेंज हो गया है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने लेटर स्पेसिंग दी। लेटर स्पेसिंग देने से हमारे पास जो लेटर्स थे, यानी कि अगर मैं लिखूँ हेलो तो एच मेरे पास एक साइड पे हो गया, ई दूसरी साइड पे हो गया, ओ दूसरी डबल एल और डबल एल एल दूसरी साइड पे हो गया, और ओ अलग हो गया। फिर मैंने लिखा वर्ड स्पेसिंग, तो जो लॉरेम था और एप्सम था उसके दरमियान जो स्पेसिंग थी, ये वाली स्पेसिंग ये बढ़ गई। फिर जब मैंने दिया लाइन हाइट, तो ये वाली स्पेसिंग जो दो लाइंस के दरमियान थी वो मेरे पास इंक्रीज हो गई। फिर मैंने दिया फॉन्ट फैमिली, एरियल मैंने दिया। अगर आप लोग एरियल नहीं देना चाहते हैं, कुछ दूसरा देना चाहते हैं, तो अगर मैं इसको यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ, यहाँ पे मेरे पास बॉडी, बॉडी के अंदर पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर स्टाइल, ये देखिए आपके पास जो डिस्प्ले है ये ब्लॉक है, यहाँ पे स्टाइलिंग यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो अगर आप लोग इसको दूसरी स्टाइल में लिखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से इजीली देखें कैलिब्री, कैलबरी, यहाँ पे मैं इसको ओपन करके तो स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, CALIBRI। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूँ और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ, तो देखिए मेरे पास जो फ़ॉन्ट का जो राइटिंग स्टाइल है वो चेंज हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप लोग इसका फ़ॉन्ट वेट बढ़ाना चाहते हैं, फ़ॉन्ट वेट का मतलब ये होता है कि आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, तो आप लोग सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे बोल्ड, बोल्ड लिखेंगे। तो इसको जब मैं सेव करूँगा और यहाँ पे आऊँगा हार्ड रिफ्रेश करूँगा, तो देखिए मेरे पास क्या हो गया है, बोल्ड की फॉर्म में चेंज हो गया है। लेटर स्पेसिंग हो गया, वर्ड स्पेसिंग हो गया, लाइन हाइट हो गया, फॉन्ट फैमिली हो गया, फॉन्ट साइज भी रहता है। फॉन्ट साइज क्या होता है, फॉन्ट साइज ये होता है जो आप लोग वर्ल्ड में यहाँ से करते हैं कि आप लोगों के पास ये जो साइज है वो कितना आएगा। तो लेट सपोज मैं इसको लेता हूँ फॉन्ट साइज, तो जब मैं इसको फॉन्ट साइज दूंगा, लेट सपोज को मैं लेता हूँ 10px, तो राइटिंग छोटी हो गई है। अब अगर मैं इसको देता हूँ 40px, बड़ी हो गई है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लाइन हाइट को मैं बढ़ा दूँ, 60 करा दूँ लेट सपोज, तो आप लोग को इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि लाइन के दरमियान हाइट आ गई है। अब इसके साथ साथ अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं इसको इटालिक भी करना चाहता हूँ, तो वो मैं लिखूंगा फॉन्ट स्टाइल इटालिक। जब मैं इसको करूंगा, इसको हार्ड रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखिए आपके पास इटैलिक में ये आपके पास जो पूरी की पूरी राइटिंग है वो कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसके अलावा हमारे पास एक दूसरी चीज आती है। लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास एक कोई हेडिंग है, H1 टैग को मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ
कोडिंग में चला, सेव किया, आ गया, तो ये मेरे पास से लेके कोडिंग में फिलहाल आ गया। अब इसको मैं टारगेट करूंगा H1 से, कोडिंग यहाँ से इसकी जो स्टाइलिंग है वो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पहले तो लिख देता हूँ टेक्स्ट अलाइन, सेंटर में हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, सेंटर में टेक्स्ट आ गया। सेंटर में टेक्स्ट आने के बाद अब मैं इसको चाहता हूँ कि जैसे आपके पास इसका एक शेडो बन जाए, ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, और जो शेडो हो उसकी पोजीशन भी मैं अपने साइज से, यानी कि अपने डिमांड के ऊपर उसको चेंज और एक्सेप्ट कर सकूँ। तो आप कैसे करेंगे, आप जस्ट यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट शेडो लिखेंगे, लेट सपोज इसको मैं 10px और 0px रेड। अब ये 10px जो आपके पास है, ये आपके पास हॉरिजेंटल मूवमेंट है शेडो की, और जो ये आपके पास 10px है, ये आपके पास वर्टिकल मूवमेंट है शेडो की, और जो ये आपके पास 0px है, ये आपके पास ब्लरनेस है शेडो की, और जो ये रेड है, ये आपके पास उस शेडो का कलर है। तो अगर मैं इसको सेव करूं और यहां से हार्ड रिफ्रेश करूं, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक शेडो बन गई। अब मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, 30px कर देता हूँ, तो ये मेरे पास जो है तो हॉरिजेंटली मूवमेंट करेगी, आपको दिखाई देगी। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 90 कर लेते हैं। अब ये वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे, तो देखिए ये मेरे पास शेडो यहाँ पे आ गई है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई है शेडो के जो वर्टिकल पोजिशन, 60 कर लेते हैं। देखिए अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसका जो ब्लरनेस है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, तो मैं इसको लेट सपोज 12 कर देता हूँ। ये देखिए मेरे पास ब्लरनेस आ गई, इसको 6 कर लेते हैं। ये देखिए कोडिंग में था हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसका कलर पिंक हो, तो आप सिंपली यहाँ पे पिंक टाइप करें, और ये देखिए आपके पास ये आ गई। 5 पे ट्राई करते हैं, 4 पे ट्राई करते हैं, फिर आपको शेडो की यानी कि कंप्लीट समझ आए। देखिए थोड़ा सा ये मेरे पास ब्लर हो गया। तो आज हमने सीखा कि हम लोग वर्ड स्पेसिंग कैसे लेंगे, लाइन हाइट कैसे लेंगे, फॉन्ट फैमिली किस तरह इंक्रीज करेंगे, फॉन्ट वेट को कैसे इंक्रीज करेंगे। अच्छा, फॉन्ट वेट में आपके पास दो प्रॉपर्टीज आती हैं, एक होता है बोल्ड और एक होता है बोल्डर। आप लोग जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने वेल्थ के मुताबिक आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज यानी कि आप उसके जो आपके राइटिंग का जो साइज है उसको आप कितना रखना चाहते हैं, 40, 10, 20, आपकी मर्जी, जितना आप बढ़ाना चाहें या जितना कम करना चाहें। और अगर आप देना चाहें फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, यानी कि आपके पास वो थोड़ा सा जो राइटिंग होती है वो थोड़ी सी कर्व हो जाती है। उसके बाद H1 टैग पे मैंने कुछ अलाइनमेंट किए, चेंजेस किए, यानी कि टेक्स्ट अलाइनमेंट किए। ये वाला का पूरा कोड आप इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है जस्टिफाई, जस्टिफाई का क्या काम होता है, अभी आपको ये देखें पूरी की पूरी। पहले मैं इस लाइन को, टेक्स्ट शेडो को मैं कमेंट कर लेता हूं। अब ये मेरे के पैराग्राफ यहाँ पे तो सही स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे भी थोड़ी सी चेंजेस आ रही हैं, देखे गैप आ रहे हैं इससे, और ये देखे मेरे पास ये जो की पूरी लाइन है ये एक दूसरे से बिल्कुल यानी के वो एक मार्जिन में नहीं आ रही है। तो जब मैं जस्टिफाई दूंगा इसको और इसको रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ से और यहाँ से पूरी की पूरी सेम हो जाएगी। यहाँ से टेक्स्ट सेंटर मैंने कमेंट कर लिया था, सॉरी मैंने सिर्फ इसको कमेंट करना था। देखिए आपने इसको कमेंट कर लिया, सिर्फ इस लाइन को भी, इस ब्रैकेट को भी आपने कमेंट किया, तो H1 के ऊपर भी इसकी जो स्टाइलिंग है वो आ गई थी। अब मैंने दोबारा इसको अनकमेंट किया, तो मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो ये मेरे पास ये आ गया। सेव नहीं किया, सेव करूंगा तो आपको पता लग जाएगा। देखिए ये मेरे पास आ गया,
तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सीखा कि हम लोग वर्ड स्पेसिंग, लाइन हाइट, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट अलाइनमेंट, शेडो, इसको किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। आने वाली मजीद वीडियो में हम मिलेंगे मजीद मज़ेदार टेक्स्ट के साथ, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरह और चेंजेस कर सकते हैं, हम किस तरह अपनी कोडिंग को मजीद बेहतर बना सकते हैं, उसको किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं।